बैक टू माई चैनल। तो गाइस अब ये थोड़ा सा नाइट ब्लॉग शूट करने निकला हूँ मैं। वैसे पर्सनली मैं वीडियो बनाने नहीं निकला था, बस ऐसी राइड पे निकला था, घर में बोर हो रहा था। तो जो अभी मेरे हेलमेट पे माउंट है नहीं, मोबाइल होल्डर कुछ है नहीं, तो मैं ऐसे हाथ से ही बना रहा हूँ। अब सोचा निकला हूँ तो थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। तो गाइस ये कोई कंटेंट भी नहीं होने वाला, बट ऐसे ही नाइट ब्लॉग है। अब मैं निकला हूँ ऐसे घूमने, अभी टाइम हो रहा है 9:30 रात के। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेते हैं। घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा था, मन नहीं लग रहा था कुछ करने का, तो मैंने सोचा गाड़ी पकड़ो और निकल जाओ। वैसे रेगुलरी करता नहीं हूँ मैं कभी भी ऐसे, बट फिर भी आज मन कर दिया अचानक से, तो सोचा चलो गाड़ी लेके चले जाते हैं। तो गाइस बस ऐसे ही निकल गया हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस ऐसे ही है गाइस। मैंने गाइस अभी तक अपने हेलमेट पे माउंट सेटअप लगाया नहीं है, इसी कारण आज मैं ऐसे ही हाथ से ही ब्लॉगिंग शूट कर रहा हूँ। वैसे गाड़ी चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट कोई नहीं, अब बैठे बैठे बोर हो रहा था, उससे तो अच्छा ही है। नाइट में यार मेरे कैमरे में ना थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं आता, क्योंकि मोबाइल से शूट करता हूँ मैं, तो मोबाइल में ना वीडियो क्वालिटी अच्छा आ नहीं पाता, वो ब्लर आ जाता थोड़ा सा। तो कोशिश करते हैं गाइस जितनी जल्दी हो सके अच्छी क्वालिटी का मोबाइल आ जाए अपने पास। बस गाइस आप लोग साथ दीजिएगा, आपकी सपोर्ट रहेगी तो फिर एक कैमरा मोबाइल सब आ जाएगा, बस आप सपोर्ट कीजिए गाइस। और गाइस क्या है, माइक भी नहीं लगा हुआ है, तो अभी दूर से मतलब मोबाइल पे शूट कर रहा हूँ ना, तो हेलमेट भी लगा हुआ है, तो वॉइस रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हो पा रहा होगा। तो आई होप गाइस आप सब ठीक होंगे। मेरे लास्ट व्लॉग पे रिएक्शन बहुत अच्छा आया गाइस, जो रिस्पॉन्स आया है, मेरे पहली वीडियोस पे इतने अच्छे रिस्पांस नहीं आए थे, बट अभी लास्ट व्लॉग पे कल ही अपलोड किया था, तो उस पर रिस्पांस अच्छा आया है, तो उसके लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। आगे भी यार करते रहो, और मुझे तो वो काउंट ही समझ नहीं आ रहा है, एवरी मंथ का काउंट होता है, तो फिर समझ नहीं आता मुझे वो क्या बोलते हैं उसको, एनालिटिक्स जो होता है यूट्यूब पे, तो उसको मैं देख रहा था उतना टाइम, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ये तो इतना ज़्यादा हो गया था, अभी कैसे कम हो गया करके, बट बाद में समझ आया कि नहीं लास्ट 28 डेज का आता है। और नाइट में गाइस जो गाड़ी चलाने का मज़ा है ना, वो कहीं नहीं है। दिन में तो अभी हालत ख़राब हो जाता है, दिन में तो मन ही नहीं करता घर से निकलने का, बहुत ज़्यादा धूप रहता है। अभी दो दिन एग्ज़ाम था, कॉलेज जाने में हाथ फट के चार हो गई थी, क्या बताऊँ मैं। आज अचानक से अकाउंट पे पैसा आया, समझ ही नहीं आ रहा था किस चीज का है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बाद में याद आया मैं कॉलेज करता हूँ, तो उसी का स्कॉलरशिप आया, सोच रहा हूँ उसी से ट्रिप प्लान करूंगा गाइस। गाइस अभी मजा आएगा ना, भिड़ो खाली रहूंगा, अभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक ट्रिप भी प्लान करता हूँ जल्दी से। तो गाइस आज ब्लॉग करने में ना मज़ा बहुत आ रहा है, मैंने एक महीने से स्टार्ट किया अपना ब्लॉगिंग, लेकिन इतना मज़ा मुझे कभी नहीं आया। आज पता नहीं एक अलग ही मूड में हूँ मैं, नाइट पे अचानक से 9:30 को घर से निकलने का मन कर दिया। अभी गांव में रहता हूँ तो यहाँ पे तो सब स्टोर्स शॉप्स बंद हो गए हैं, रोड पे आपको कोई मिलेगा नहीं, बस अकेले है, और कुछ कुछ ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, बस वही मिलने वाले मुझे, और कुछ नहीं है गाइस, बस यही मिलेगा मुझे ट्रक। नाइट में है वैसे देखने का मन, कोई नहीं देखेगा मुझे पता है वीडियो, बट फिर भी ये क्या है, मैं अपने आपसे आप खुद से शौक से कर रहा हूँ, तो मज़ा आ रहा है और हो जाएगा ये। गाइस मैं अभी घर जाके तुरंत अपलोड करने वाला हूँ, ज़्यादा एडिट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें कुछ रहेगा नहीं एडिट करने के लिए, बस कुछ कुछ कटिंग्स करना है, लंबा ना हो जाए वीडियो, इसलिए तो एडिट करके मैं कोशिश करूँगा कि अभी अपलोड कर दूँ मैं। तो
नाइट में तो वैसे अंधेरा ही आ रहा है जैसा मुझे दिख रहा है। सॉरी गाइस नाइट व्लॉग के लिए, क्योंकि कैमरा अच्छे से है नहीं, ब्लर आएगा तो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि अगला जो व्लॉग हो वो दिन का हो। अपने गांव से दूर, बहुत दूर आ गया हूँ, वाराणसी के आगे ही आ गए हूँ, जो मेरे गांव से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर है। तो उससे भी आगे एक और गांव पड़ता है, वहीं पे आ गया हूँ। तो मैं यहाँ से चलता हूँ और पीछे एक पेट्रोल पंप है, तो देखते हैं अगर मेरी गाड़ी पे पेट्रोल नहीं होता है तो मैं वहीं से फ्यूल अप कराता हूँ, फिर घर निकलूँगा। गाइस बहुत रात भी हो गया और जो एक अलग बोरिंग ने इसका ना बहुत ज़्यादा घर पर बोर हो रहा था, मैं क्या बताऊँ, मैं मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का, बट अब एक आज पता चला राइडर बनना मतलब एक प्रकार का। अरे यार वो किलो रात में भी कुत्ता भी ना डरा दिया था रात में, तो ऐसी अंधेरे में दिख नहीं रहा कुछ, और टर्न को उसको भी आना है, क्या बताऊँ मैं। वापस जाऊँगा वो फिर से भोंकेगा, चलो कोई नहीं, कुछ नहीं करेगा वो नाइट पे, नाइट पे तो ऐसे लगा रहता है। तो अब मैं जा रहा हूँ वापस, वैसे यहाँ से कुछ दिखने वाला है नहीं, बट वो डॉगी कहाँ पे पता नहीं, चल ना जाए मेरे ऊपर, क्या है अंधेरा है तो दिख नहीं रहा। मैं पता नहीं, वो घर का डॉगी था इसीलिए नहीं दिखा, मेरे को लगा गली वाला कुत्ता है साला दौड़ा देगा तो मैं फंस जाऊंगा। बट नहीं, वो घर का है तो वैसे उससे डरने की कोई बात नहीं है। इतनी मस्त मूवी से निकला था एक अलग सा ना, वो अचानक से अंधेरे में डॉग, यार क्या बताऊं मैं, साला कुत्ता भौंका ना तो फटके चार हो गई थी मेरी तो। तो मैं यहाँ से ब्लॉग को देख लेता हूँ, मेरी गाड़ी पे अगर फ्यूल नहीं है तो यहीं से ब्लॉग करवा लेता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ आपको। तो गाइस रात बहुत हो गया है, मुझे घर से कॉल आ रहे हैं, मैं चलता हूँ घर। पेट्रोल पंप वाले से जो बात कर रहा था, क्योंकि यहीं आता हूँ मैं हमेशा, लास्ट टाइम भी आया था तो पूछ रहे थे चैनल का नाम, आज भी पूछ रहे थे, तो उनको बता रहा था, सोचा था उनका जो बातचीत है वो रिकॉर्ड करूँ, बट मुझे मैं मिलते हैं फिर नए नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं भी जल्दी जल्दी मैं क्या बोलते जा रहा हूँ। तो गाइस मिलते हैं फिर एक नए वीडियो पे, मुझे घर से कॉल।